झाबुआ के खुटाया सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के एक फरमान से बच्चों और उनके पेरेंट्स परेशानी में पड़ गए हैं। दरअसल इस स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों का ड्रेस कोड ही बदल दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से स्कूल का ड्रेस कोड बदल दिया। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने बच्चों को एक ही दुकान से कपड़ा खरीदने तक की बात कह दी। दो ड्रेस कितने हमारी एक ड्रेस? एक ड्रेस 1000 रुपए पड़ रही है सिलवाई और मंजर। दो ड्रेस कितने पड़ रही? तो 2500 में। 2500 रुपए। तो यहाँ से कोई प्राचार्य ने बोला था कि ड्रेस बनवा के लाओ? अच्छा, शासन से कोई पैसा मिला ड्रेस का? अभी तो नहीं मिला। दो ड्रेस। एक ड्रेस कितने में पड़ रही है? 1000। 1000 में। तो दो ड्रेस का कितना हो गया? 2500 सिलाई सहित। शासन से कोई पैसा मिला तुम्हारे को? अभी तक नहीं मिला। अभी घर से सकते छात्रों को जो पैसा नहीं दिया गया है उसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं, हम सर से बात करेंगे। और अगर नहीं मिला होगा तो क्यों नहीं मिला उसके बारे में हम सर से बात करेंगे। अगर स्कूल प्रशासन की गलती होगी तो हम कार्रवाई के लिए प्रशासन से अवगत करेंगे और कलेक्टर मैम को इसके बारे में बताएंगे। उधर प्रिंसिपल के इस फरमान पर आदिवासी विकास विभाग की निशा मेहरा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले की जांच की बात कही है। स्कूल केस में किसी का ड्रेस कोड का कोई ट्राइबल डिपार्टमेंट से कोई निर्देश नहीं है? ये मैं पता करवाती हूँ। कौन से स्कूल का बोल रहे हो? खुटाया। करवा लेते हैं क्योंकि ऐसे कोई ड्रेस का गणवेश का वो नहीं आया है अभी, तो वो दिखवा लेते हैं क्या मैटर है। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने भी सफाई दी है। प्राचार्य का कहना है कि हमने ड्रेस कोड पीएम श्री स्कूल के लिए बदला है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।